नमस्कार सर। सत साई भगत जी। सर क्या नाम है आपका? जीवन दास। सर कहाँ से आए हैं आप? चिंतामन जावाशा भगत जी, जिला उज्जैन। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भगत जी पहले जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा सरस्वती जितने भी थे भगत जी इनके बहुत आधीन था, दास बहुत भक्ति करता था, उससे कोई लाभ नहीं मिला भगत जी इनकी। भगत जी जितनी भी भक्ति करी दास ने उससे नुकसान ही प्राप्त हुआ, बाकी उससे कोई फायदा नहीं मिला। दास को मतलब नशा करने का आधीन हो गया था, उसके बाद जैसे कि कोई बीमारी रोग लगने लग गया था तो उससे कोई लाभ नहीं मिला भगत जी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? दास एक ठेकेदारी का लेवर में चलता था, हाइट में ठेकेदारी काम करता था, जो मतलब ये शनि मंदिर जो आता है भगत जी उसमें तीरबरनी पे स्नान के रूट पे गया था भगत जी दास, सबको साथ में माता जी मामा जी भाई बहन सबके साथ गया था, स्नान करा नदी में खूब। उसके बाद भगत जी स्नान करने के बाद जितने भी शनि मंदिर में हार फूल तेल सब लेके गया था दास सर। उसके बाद फिर जैसे दास मंदिर में पहुँचा तो जितना भी अपन ने सामान लिया था उसका भगत जी उसने सब मंदिर वालों ने ऐसा फेंका जैसे कि वो कचरे में कूड़े में डाल रहे हैं, ऐसे कूड़े में डाल दिया पूरा। उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर ऐसा धक्का मारा मुक्की मारा भगा दिया वहाँ से बाहर निकला दास को, इतना मतलब दिमाग पे लोड आ गया कि अपन ने इतना खर्चा करा क्या फ़ायदा मिला, यहाँ आए कुछ नहीं मिला। उसके बाद भगत जी सबको छोड़ दिया मैंने, भाई बहन मामा भुआ सबको। उसके बाद फिर रोड पे निकल गया जहाँ दास की गाड़ी खड़ी थी वहाँ जाके खड़ा हुआ। उसके बाद संत रामपाल जी भी अन्य भाई वहाँ पर पुस्तक सेवा कर रहे थे तो मैंने सोचा कि एक पुस्तक 10 रुपये में मात्र सिर्फ ज्ञान गंगा मिल रही है यार, ये कौन सी पुस्तक है, बहुत सारी पुस्तक पढ़ रखी थी दास ने। तो वो पुस्तक ली भगत जी, पुस्तक ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ी भगत जी सर। उसके बाद फिर सतलोक आश्रम बरवाला इसार ठोड़ा रोड बरवाला में सर भगत सर वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? लाभ प्राप्त हुआ भगत जी, प्रथम तो मेरे को पूर्ण परमात्मा मिल गए वहाँ जाने से, भटक रहा था दास। दूसरा लाभ कि मेरे को कैंसर था ये गले में, यहाँ पे जब कोई डॉक्टर को बताता था वही कहता था कि बेटे तू ये सब छोड़ दे, नशीली चीज़ मत खा पी ये सब छोड़ दे, तो ये बहुत तो वो डॉक्टर मेरे को ये सारा घटाने से फोड़े हो रहे थे, फोड़ फोड़ के उनने मेरे को बाहर करा सब पेक बाहर निकाला उन्होंने और फिर पट्टी कर दी, फिर छोड़ देते घर चले जाते। 6 महीने साल भर तक भगत जी खूब परेशान हुआ दास, खूब डॉक्टर के पास बार बार जाता था, वो यही कहता था कि नशा छोड़ दे तो सही हो जाएगा, और डॉक्टर ने ये तक नहीं बताया था कि तेरे को कैंसर है। मैं तो बिल्कुल उनने सिर्फ इतना बता रखा था कि तेरे को कुछ भी होने जाना नहीं है, ये तो तुम्हें इलाज करवा, तो मैंने मैं इलाज कैसे करूँगा, गरीब स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत मेरे को बहुत डाउन मतलब ऐसा लग रहा था कि मालिक मतलब कैसे बचूँगा। तो उन्हें ये भी नहीं बता रखा कि तू कब तक जिएगा या कब तक मरेगा, ये कुछ नहीं बताया था मेरे। तो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिए दास ने, उपदेश लेने के बाद फिर पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिली। संत रामपाल जी महाराज के वहाँ जाने से सारा रोग कैंसर बीमारी जितना भी अंदर कष्ट था सब खत्म हो चुका सर। सबसे बड़ी वाली लड़की नेहा, उसका लीवर ख़राब था सर, लीवर ख़राब होने से नेहा इतनी परेशान थी कि उसके सर दर्द होता था, उसके ब्लड की कमी थी। उसको जब मैं लेके गया डॉक्टर के पास तो उन्होंने बोला कि इसको तो लीवर कमज़ोर है तो कैसे होगा सही है। फिर संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिए, ऐसे ही भगत जी सर वो खाना भी खाने लग गई, लीवर उसका सही भी हो गया और आज 10वीं क्लास के अंदर सबसे फर्स्ट आ रही है वो। नाम दीक्षा लेने से पहले 2013 के अंदर दास 2-व्हीलर गाड़ी चला रहा था भगत सर, तो कीचड़ था, बारिश का समय था, गाड़ी रेल गई थी, गाड़ी गिर गई सर, तो फिर मेरा दास का पाँव एक टूट गया सर मेरा, तो पाँव टूटने से मुड़ नहीं रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, दिक्कत आ रही थी। जब संत रामपाल जी महाराज उपदेश लेने के बाद मेरा पैर सही हो गया और उसके बाद अंदर से एक करीब 4 इंची का धागा तक निकला उपदेश लेने के बाद, उसके बाद फिर वो पैर मेरा सही हो गया। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के पहले दास एक ठेकेदारी लाइन के अंदर था, तो जब किसी भी रोज छत भराती थी दास की, उस दिन सब तो मजदूर को ऐसी पार्टी देता था कि ताकि कोई मेरे को छोड़ना पसंद नहीं करता था, इतनी दारू पीते थे और पिलाते थे, और रोज रात दिन बीड़ी सिगरेट दारू ये गांजा भांग ये इसके बहुत आधीन थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद सारे नशे दूर हो गए बिल्कुल।
सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जैसे दास का जितना भी रोग, नशा और यह आर्थिक स्थिति और लड़की का लीवर, दास का कैंसर, नशा और पांव, ये सब जो सही हुआ है ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही सही हुआ है। आप भी सत्संग सुनिए और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लीजिए। धन्यवाद सर। सत सत।